गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं आपके फिर से एक बहुत ही मजेदार मूवी लेकर आ गई हूँ और ये मूवी मलाफिशेंट का सेकंड पार्ट है। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो आप तुरंत हमारे चैनल पर वो जाकर देख लीजिए, वरना आपको ये पार्ट समझ नहीं आएगा। और हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आप कोई भी इंटरेस्टिंग मूवी मिस ना करो। एंड नाउ विदाउट एनी फर्दर चैटर पैटर लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो गाइस, मूवी का सेकंड पार्ट में हम देखते हैं कि तीन लोग मॉर्स आकर मैजिकल क्रिएचर्स चुरा रहे हैं, मगर उसी वक्त मलेफिसेंट वहां आ जाती है और उन तीन लोगों में से दो आदमियों को पकड़ लेती है और तीसरा आदमी मैजिकल क्रिएचर लेकर डूमलम फ्लावर से होते हुए भागते भागते किंगडम पहुंच जाता है। पर वहां पर वो डोर की होल से लिक्सपिटल नाम के बिक्सी को मैजिकल क्रिएचर दे देता है और वो उनके बदले उस लड़के को पैसे देते हैं। उस लड़के के पीछे एक डूमलम चिपका होता है और उसे भी ले लेते हैं। इसके बाद हमें पता चलता है कि लोग आज भी मलेफिसेंट को विलेन मानते थे क्योंकि मलेफिसेंट अरोरा के कर्स की जिम्मेदार थी और पूरी कहानी कोई नहीं जानता था। इसके बाद हम देखते हैं कि क्वीन अरोरा फॉरेस्ट के कुछ केसेस सॉल्व कर रही है जिसमें से कुछ केसेस फेरीज के गायब होने के भी है। उसका हल सोचते ही अरोरा के पिक्सी आंटीज एक मैजिकल क्रिएचर मनीटो को अपने साथ लेकर आती है और उसे परेशान करने लगती है। वो उसका क्राउन लेकर लीड करने लग जाती है। उधर ही फिलिप्स अरोरा का वेट कर रहा होता है और वो अरोरा के आते ही उसे प्रपोज कर देता है और अरोरा मान भी जाती है। ये सारी चीजें मलेफिसेंट का सर्वेंट डेविल भी देख रहा होता है और उसे बताने चला जाता है और फिलिप्स भी अपने पेरेंट्स को अरोरा के बारे में बताने जाता है। डेविल जैसे ही फिलिप्स के अरोरा को प्रपोज करने की बात मलेफिसेंट को बताता है, वो तुरंत अरोरा से मिलने चली जाती है। फिर हम कैसल में फिलिप्स के फादर किंग जोन और मदर क्वीन इंग्रिड और इंग्रिड का राइट हैंड ग्रेडा को देखते हैं। तभी फिलिप्स वहां आकर अपने पेरेंट्स को अरोरा के प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेने की बात बताता है। किंग जोन तो बहुत खुश हो जाते हैं मगर क्वीन इंग्रिड खुश नहीं होती, मगर वो किसी को शो नहीं करती है और डिनर पर अरोरा और उसकी मदर को इनवाइट करने की बात कहते हुए वहां से चले जाती है। अब मॉर्स में मलेफिसेंट अरोरा से मिलती है और फिलिप्स के प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेने के बाद पर नाराजगी जताती है, मगर अरोरा जब उसे लव पर यकीन करके उसका दूसरा पहलू देखने को कहती है तो वो चुप हो जाती है और अरोरा के खातिर वो डिनर पर जाने के लिए भी मान जाती है। वहीं दूसरी तरफ डिनर से पहले इंग्रिड अपने क्लोसेट में जाती है जो कि एक सीक्रेट आयरन फैक्ट्री को तरफ जाता है। और मैं आपको याद दिला दूं कि आयरन फेरिस को हर्ट करते हैं और मूवी के पिछले पार्ट में स्टेफी ने मलेफिसेंट को मारने के लिए आयरन फैक्ट्री बनवाई थी। फिर इंग्रिड फैक्ट्री से होती हुई एक रूम में जाती है जहाँ पर लिक्सपिटल डूमलूम को लेकर काम कर रहा होता है। वहाँ एक मैजिकल क्रिएचर भी होता है जो कि सब कुछ देख रहा होता है। इंग्रिड लिक्सपिटल को जल्दी प्लान पूरा करने को कहती है और वहीं कबर्ड में एक स्पिनिंग व्हील की निडल भी होती है। वहीं दूसरी तरफ मार्स में मलेफिसेंट डेविल से ग्रीडिंग सीख रही होती है और अरोरा जब वहाँ पर आती है वे कैसल के लिए निकल जाते हैं और सभी किंगडम में मलेफिसेंट को देखकर काफी डर रहे होते हैं और वेपन्स लिए तैयार खड़े होते हैं, मगर मलेफिसेंट सब कुछ इग्नोर कर देती है और वो तीनों कैसल पहुंचते हैं और वहां के जनरल ने भी मलेफिसेंट पर सिक्योरिटी बढ़ा दी होती है मगर वो उससे भी इग्नोर कर देती है। वे अंदर जाते हैं जहां पर रॉयल फैमिली उनका वेलकम करती है और डिनर शुरू होता है और डिनर शुरू होते ही इंग्रिड मलेफिसेंट के अरोरा को कर्स देने और मार्स में जाने वाले ह्यूमंस को मार डालने की बात करती है। मलेफिसेंट भी ह्यूमंस के मैजिकल क्रिएचर्स चुराने की बात कहती है। आर्गुमेंट बढ़ती जाती है पर फिलिप्स इंग्रिड को चुप करा देता है और अरोरा भी मलेफिसेंट को शांत करा देती है। फिर इंग्रिड शादी के बाद अरोरा की मदर बनने की बात कहती है जिससे सुनकर मलेफिसेंट को गुस्सा आ जाता है और वो अपने मैजिकल पावर से सबको दूर फेंक देती है। सब उसे रोकने की कोशिश करते हैं मगर इंग्रिड जॉन के पीछे डर कर छुपने का नाटक करती है और जॉन नीचे गिर पड़ता है और इंग्रिड मलेफिसेंट पर जॉन को कर्ज करने का ब्लेम लगाती है। अरोरा उसकी बात पर बिलीव भी कर लेती है और मलेफिसेंट को श्राप वापस लेने की बात कहती है, लेकिन मलेफिसेंट कहती है कि मैंने उसे कोई श्राप नहीं दिया। फिर सोल्जर्स वहां पर आने लग जाते हैं और मलेफिसेंट अरोरा को उसके साथ चलने को कहती है मगर वो इनकार कर देती है और मलेफिसेंट उसे छोड़कर ही खिड़की तोड़ते हुए वहां से निकल जाती है। मगर तभी ग्रेडा मलेफिसेंट पर आयरन बुलेट मार देती है जिसकी वजह से वो घायल होकर ओशन में गिर जाती है।
और डेविल भी जख्मी होकर फॉरेस्ट में गिर जाता है। उधर कैसल में बेहोश किंग जॉन को रूम में ले जाकर लिटा दिया जाता है और फिलिप्स इंग्रिड से जॉन को ट्रू लव किस करने की बात करता है, मगर इंग्रिड इन स्टोरीज पर बिलीव नहीं करती थी। वे उसे किस करती है मगर वो जॉन से ट्रू लव नहीं करती थी क्योंकि जॉन ज्यादा पावरफुल था। और किस करने पर भी जब वो नहीं उठते तो अरोरा मलेफिशेंट से मिलने मॉर्स चली जाती है, जहां उसे पता चलता है कि किसी ने भी मलेफिशेंट को नहीं देखा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ग्रेडा ने टेलीस्कोप से ओशन पर नजर रखी हुई है, पर वहां पर कोई फेरी टाइप की क्रिएचर आकर मलेफिशेंट को ओशन से निकाल कर ले जाती है। ये खबर ग्रेडा इंग्रिड को बताती है, जिसे सुनकर वो बिल्कुल भी खुश नहीं होती। अरोरा भी हॉर्स पे सवार होकर कैसल वापस आ जाती है। उसके साथ एक मैजिकल क्रिएचर पिनोटो भी हॉर्स पे छिपकर वहां आ जाता है। इंग्रिड के कैट से बचते हुए वो लिक्सपिटल के रूम में पहुंच जाता है, जहां पर लिक्सपिटल उसे भी बंद कर देता है। अरोरा मलेफिशेंट को नाम मिलने के बाद इंग्रिड को बताती है और इंग्रिड उसे सब भूल कर दोनों किंगडम के विजिट के बारे में सोचने को कहती है। वहीं ग्रेडा मॉर्स के तरफ ऐलान करती है कि 3 दिनों में अरोरा और फिलिप्स की शादी है और सभी मैजिकल क्रिएचर्स वहां पे इनवाइटेड है। दूसरी तरफ जख्मी मलेफिशेंट आवाजों को फॉलो करते हुए कुछ फेयर्स के पास पहुंच जाती है, जहां बीच में खड़ा एक बोरा नाम का फेरी होता है। उनकी बातों से पता चल रहा था कि वे वॉर करना चाहते हैं ह्यूमंस से, क्योंकि ह्यूमंस उन्हें हंट करते हैं, उसकी वजह से उन्हें छुप कर रहना पड़ता है। वही मौजूद फेर गोनल जब एतराज करता है तो वे मलेफिशेंट के पावर्स को यूज करने की बात करते हैं। मलेफिशेंट को एग्री करने उसे मजबूर करने आगे बढ़ते हैं, मगर मलेफिशेंट अपने पावर से उसे दूर फेंक देती है। ये देखकर बोरा खुश हो जाता है और बाकी फेयर्स भी खुश होकर आवाजें निकालने लग जाते हैं। फिर गोनल उसे अपने साथ लेकर जाता है और पूरी केव का टूर कराते हुए बताता है कि मॉर्स की तरह ही पूरी दुनिया में डार्क फेयर्स और फेरीज थे, और जब ह्यूमंस ने उन्हें हंट करना शुरू किया तो उन्हें केव में आकर छुपना पड़ा। फिर गोनल फिनिक्स दिखाता है और उसे बताता है कि फिनिक्स डार्क फेयर्स में सबसे पावरफुल है और मलेफिशेंट उसके लास्ट डिसेंडेंट है, और उसने डार्क फेयर से भी कहीं ज्यादा पावरफुल है। लेकिन अपनी पूरी पावर्स पाने के लिए फिनिक्स फेयर्स को कुछ स्टेजेस पार करने पड़ते हैं, और मलेफिशेंट ने अरोरा को रेस करते हुए कुछ इनिशियल स्टेजेस पार कर लिए हैं, मगर आखिरी स्टेजेस पार करने के लिए उसे अरोरा को माफ करना पड़ेगा, जिस पर अरोरा के बिट्रेल से मलेफिशेंट दिलबर्दाश्ता होने की वजह से इनकार कर देती है। तभी बोरा वहां पर आकर फिलिप्स और अरोरा की शादी की न्यूज बताते हुए कहता है कि वॉर के लिए यही सही वक्त है। मलेफिशेंट भी सारी बात सुन रही होती है। फिर हम देखते हैं कि अरोरा इंग्रिड के ऑर्डर्स, कैसल की जिंदगी और फिजूल के ट्रेडिशन से परेशान हो चुकी है, लेकिन वो फिलिप्स के लिए सब बर्दाश्त कर रही होती है। अरोरा के एग्जैक्ट नीचे वाले कमरे में लिक्सपिडल इंग्रिड को डोमलोम से जमा हुआ पाउडर दिखाता है, जिससे कि फेरीज मर जाती है, और वो वहां पर मौजूद फेरी पर वो पाउडर गिराकर भी दिखाता है, जिससे वो फेरी मर जाती है। इंग्रिड अपने मॉर्स से बुलाए हुए मैजिकल क्रिएचर्स को मारने के लिए खुश हो जाती है, लेकिन लिक्सपिटल उसे मजीद पाउडर और डूमलूम की जरूरत होने की बात बताता है, जिसके लिए इंग्रिड सोल्जर्स को मॉर्स डूमलूम लाने के लिए भेज देती है। मलेफिशेंट डूमलूम उतारने के एहसास को समझ जाती है और वो मॉर्स की तरफ चली जाती है। बोरा भी उसके साथ होता है, मगर जब तक वो वहां पहुंचते सोल्जर्स ने सारे डूमलूम लेकर जा चुके थे। वो वहीं पर गम में खड़े ही होते हैं कि वहां छिपे हुए सोल्जर्स उन पर बुलेट्स से फायर कर देते हैं, मगर उनके पीछे आया हुआ गोनल वो फायर का इंपैक्ट खुद पर ले लेता है और वो दोनों को बचा लेता है। मलेफिशेंट शील्ड बनाकर उन आयरन बुलेट से बचाती है और बोरा सब सोल्जर्स पर अटैक करके उन्हें गिरा देता है, और फिर बोरा मलेफिशेंट गोनल को केव ले जाते हैं, जहां पर केव में गोनल की मौत हो जाती है। अगली सुबह मॉर्स से सारे क्रिएचर्स किंगडम जा रहे होते हैं, मगर वो मलेफिशेंट के सर्वेंट डेविल को अंदर जाने नहीं देते, पर उसे छोड़कर सारे मैजिकल क्रिएचर्स अंदर जाते हैं, जहां पर उनके अलावा और कोई भी गेस्ट नहीं आया होता। वहीं अरोरा से मिलने फिलिप्स वहां पर आता है और अपने मदर से मिला हुआ डूमलम उसे देता है। अरोरा को वो फ्लावर देखकर शक होने लगता है और वो इंग्रिड से मिलने उसे ढूंढने क्लोसेट में पहुंच जाती है और सीक्रेट डोर से होते हुए लिक्सपिटल के रूम पहुंच जाती है, और वो उस
पिन निडल को भी देखती है। इसके पास जाने पर अरोरा को अपना कर्स दिख रहा था और इसके अरोरा को पता चल जाता है कि इंग्रिड ने खुद ही स्पिन निडल से किंग को कर्स कर बेहोश कर दिया है। जब अरोरा पीछे मुड़ती है तो उसे बॉटल में बंद फेरिस दिखते हैं। उसे आजाद करने ही वाली होती है वो, लेकिन फ्लिक्सपिडल उसे रोकने लग जाता है और अरोरा से उसकी गलती से शर्ट फट जाती है। उसे फ्लिक्सपिडल का बैग दिखाई देता है और वो समझ जाती है कि फ्लिक्सपिडल के विंग्स इंग्रिड ने ले लिए है और वो सारे फेरिस को आजाद करने को कहती है। मगर तभी इंग्रिड वहाँ पर पहुँच जाती है और अरोरा के गुस्सा करने पर वो बताती है कि वो किंग की बेटी थी। उनका किंगडम मॉर्स के बॉर्डर पर था, पर उनका किंगडम धीरे धीरे खत्म होता गया। मगर मॉर्स के क्रीचर्स खुश थे, जिसे देखकर वो और उसका भाई काफी जेलस फील करता था और वो उनसे ये सोर्स लेने के लिए ख्वाहिश रखती थी। लेकिन उसके फादर पीस चाहते थे, इसलिए उन्होंने उसके भाई को नेगोशिएशन के लिए भेज दिया था। मगर इंग्रिड के अकॉर्डिंग क्रीचर्स ने उसके भाई को मार दिया था और उसके मर जाने पर लोग उन्हें किंगडम पर रूल ना करने लायक समझने लगे थे और उन्हें निकाल दिया गया था। इंग्रिड को जॉन से शादी इसीलिए ही करनी पड़ी थी। इंग्रिड के फेरिस के लिए नफरत खत्म नहीं हुई थी। ये कहते हुए वहाँ गार्ड्स ही आ जाते हैं और अरोरा को लेकर रूम में बंद कर देते हैं। दूसरी तरफ क्रीचर्स को वेडिंग चर्च में बंद कर दिया जाता है और ग्रेडा के पियानो प्ले करते हुए कीज प्रेस करने पर पाउडर रिलीज होने लगती है, जिससे क्रीचर्स यूजलेस होने लग जाते हैं। और वहीं अरोरा बालकनी से चर्च के दरवाजे बंद होते हुए देखती है। अपनी वेडिंग ड्रेस को वो फाड़ती है और एक रोप बनाती है और गार्ड्स के आने की आवाज सुनकर वो डिस्ट्रैक्ट कर देती है और बाहर से डोर लॉक कर देती है। और डेविल भी वॉल्स को क्रॉस करते हुए कैसल के अंदर आता है और फिनिक्स अपने फादर के पास बैठा हुआ होता है। इंग्रिड को हम आर्मी लेकर रूफ में खड़ा हुआ देखते हैं। वहीं पर बोरा गोनल के डेथ का बदला वॉर से लेने डार्क फेयर्स के साथ कैसल की तरफ आ रहा होता है। ये जानकर इंग्रिड उस पर पाउडर बॉम्ब फेंकने को कहती है, जिससे धीरे धीरे वो मरने लग जाते हैं। तो बोरा उन्हें टर्न करने को कहता है। वहीं अरोरा भागती हुई अपनी रोप की हेल्प से किंग जॉन के कमरे में आती है, जहाँ पर वो फिलिप्स को जॉन के नीडल से लगा जख्म दिखाती है और मलेफिसेंट के इनोसेंट होने और इंग्रिड के चाल का बताती है। फिर हम देखते हैं कि फेरिस टर्न होकर ओशन से होते हुए किंगडम की तरफ आती है, जहां पर सोल्जर्स बॉम्ब फेंक रहे होते हैं और कुछ फेरिस को पकड़ भी रहे होते हैं। किंगडम में सबको डिस्ट्रैक्टेड देखते हुए अरोरा चर्च के डोर ओपन करने की कोशिश करती है और उसकी हेल्प डेविल भी करता है, मगर वो उन बैरिकेड्स को हटा नहीं पाते। चर्च के अंदर फेरी क्रीचर्स को बचाने की कोशिश करती है, जब फ्लिक्टेल पियानो पाइप में घुसती है और पाउडर के उस पर हिट करने पर पाइप फ्लावर से ब्लॉक हो जाती है और पाउडर्स का निकलना बंद हो जाता है। ग्रेडा उसे ठीक करने के लिए आगे बढ़ती है, मगर वो उस कोशिश में नीचे गिर जाती है। दूसरी तरफ फिलिप्स इंग्रिड को समझाने जाता है, मगर इंग्रिड गार्ड को बुलाकर उसे वहां से ले जाने को कहती है, पर फिलिप्स रूफ से जंप लगा देता है और जनरल भी उसके साथ नीचे आ जाते हैं। कैसल में चर्च के बाहर अब बी डेविल और अरोरा ब्रेकर्स को हटा रहे होते हैं, मगर तभी गार्ड्स उन्हें पकड़ लेते हैं। तभी वहां पे मलेफिसेंट आ जाती है और वो डेविल को बियर बना देती है और डेविल डोर खोल देता है और सबको बाहर निकाल देता है। मलेफिसेंट फेरिस को भी छुड़ा लेती है और सबको बचाती हुई तभी बोरा फिलिप और जनरल में हो रही लड़ाई को रोकने आगे बढ़ता है और जनरल उस पर बुलेट से शूट कर देता है और बोरा उसे मारने ही आगे बढ़ता है कि फिलिप्स आकर उसे इंग्रिड का वॉर प्लान बताता है और बोरा उन्हें छोड़कर चला जाता है। जनरल बोरा की अच्छाई देखकर बदल जाता है, वो सोल्जर्स को शूट करने से रोकता है। और इधर मलेफिसेंट इंग्रिड की तरफ बढ़ती है और रूफ पर आ जाती है और अरोरा भी वहां पर आती है और अरोरा उसे इंग्रिड को मारने से रोकती है ताकि इंग्रिड मलेफिसेंट को गलत साबित ना कर पाए। और जब मलेफिसेंट उसकी बात नहीं सुनती तो अरोरा उसे मदर कहकर पुकारती है, जिसे सुनकर मलेफिसेंट का दिल सॉफ्ट हो जाता है। वहीं इंग्रिड उन दोनों को डिस्ट्रैक्टर देख उन पर पाउडर बॉम्ब को शूट कर देती है, जिसका इम्पैक्ट मलेफिसेंट खुद पर ले लेती है, जिसे मलेफिसेंट एशेस में कन्वर्ट हो जाती है, जिसे देखकर अरोरा उस एशेस पर बैठकर रोने लग जाती है। उनके आंसू उस एशेस पर ही गिरते हैं।
तभी इंग्रिड उसे बताती है कि उसने ही अरोरा के कर्स्ड वाली बात फैलाई थी ताकि सब मलेफिशेंट को गलत समझे और उससे नफरत करे। फिर वो मलेफिशेंट के मर जाने के बाद ऐलान करती है, मगर तभी मलेफिशेंट के एसेस फिनिक्स बन जाते हैं और ये देखकर इंग्रिड डर जाती है और अरोरा को नीचे गिरा देती है। मलेफिशेंट उसे बचाने चली जाती है और इंग्रिड कैसल में भाग रही होती है, लेकिन फिर उसे घेर लेते हैं। मलेफिशेंट अरोरा को बचाती हुई किंगडम के बीच आकर गिरती, तो फिर मैजिकल क्रिएचर्स और ह्यूमन उसके पास आ जाते हैं। फिर मलेफिशेंट फिनिक्स से फेरी बन जाती है और अरोरा को फिलिप से शादी करने के लिए मान जाती है। तभी वहाँ चेंज ऑफ हार्ट पर लिक्सपिडल फेरिस को आजाद कर देता है, वहाँ आता है और मलेफिशेंट को कर्स खत्म करने के लिए स्पिंडल देता है। स्पिंडल के तोड़ते ही कर्स खत्म हो जाता है। फिनिक्स ह्यूमंस को वॉर खत्म करने को कहता है और दोनों किंगडम को पीस में रहने का ऐलान करता है। मलेफिशेंट पूरे किंगडम को फूलों से सजा देती है और इससे जागा हुआ किंग भी सब कुछ देख रहा होता है। वहीं फेरिस इंग्रिड को मलेफिशेंट के सामने लाकर फेंकती है और जिससे मलेफिशेंट उसे गोट में बदल देती है। मलेफिशेंट फेरिस को मॉर्स मारकर रहने के लिए इनविटेशन देती है। अरोरा मलेफिशेंट के पास आती है और मलेफिशेंट उसे वेडिंग के लिए रेडी कर देती है और वॉक कराते हुए फिलिप्स के पास लेकर आती है। उन दोनों की शादी हो जाती है और लास्ट सीन में हम देखते हैं कि मलेफिशेंट और अरोरा फिनिक्स के बच्चों के क्रिसिंग पर आने का वादा करते हुए मॉर्स चली जाती है, जहां सारे डार्क फेरिस भी अब आ गए थे और मलेफिशेंट यंग फेरिस को उड़ना सिखा रही होती है और यहीं पर ये स्टोरी खत्म हो जाती है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो और अगर आपको अच्छी लगी ये वीडियो तो प्लीज एक लाइक करना मत भूलिएगा और नीचे कमेंट में बताइए कि आपको इसका कौन सा पार्ट अच्छा लगा। थैंक यू।